हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 18 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सो हुआ क्या, बहुत सारे लोगों ने पिटीशन डाल के रखी हुई थी। रीजन बीइंग अबाउट द हरियाणा में एक लॉ आया था, दैट्स अबाउट द एम्प्लॉयमेंट लॉ, एंड इट गिव रिजर्वेशन अप टू 70% ऑफ दी पोस्ट विच हैज सैलरीड ऑफ अप टू 30,000 इन दी प्राइवेट सेक्टर्स फॉर दी हरियाणा डोमिसाइल्ड। सो जिसके चलते जब ये इशू पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंचा, तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस लॉ पे स्टे लगा दिया और बोल दिया भैया कि ये लॉ अभी इस पर डिस्कशन होना बाकी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इस चीज को लेकर हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, लेकिन तब तक जब तक जजमेंट नहीं आ जाता हम लोग इस पे स्टे लगाने वाले हैं, एप्लीकेबल नहीं होगा। अब गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, हरियाणा की गवर्नमेंट। एंड हरियाणा की गवर्नमेंट ने सिंपल सी बात बोली, उनका सिंपल सा ये कहना है कि देखो आप ऐसे हमारे ऊपर स्टे नहीं लगा सकते। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टेट किया, ऐसे किसी लॉ पे आप किसी लॉ पे आप स्टे नहीं लगा सकते, है ना? क्योंकि जब कोई लॉ पास होता है बाय द पार्लियामेंट और बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द स्टेट, तब वो लॉ वैलिड होता है। हाँ, आपको आपके पास कुछ रीजन होने चाहिए, वैलिड रीजन होने चाहिए, तब जाके आप उस चीज को इनवैलिडेट करार कर सकते हो। और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो स्टेटेड कि देखो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोई ऐसा रीजन नहीं दिया जिससे इस लॉ पे स्टे लगाया जाए या इस लॉ को इलीगल या इनवैलिड करार दिया जाए। और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड कि ये स्टे ऑर्डर लगाया गया था बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, वो हम हटाते हैं। एंड जो ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की इन दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट अबाउट दिस लॉ, वो आप 4 हफ्तों के अंदर खत्म करिए। मूविंग फर्दर, सो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी अपने पार्लियामेंट में, सिंगापुर के पार्लियामेंट में, एंड स्पीच इज अबाउट कि कैसे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो स्टार्ट होने लगा है। एंड उन्होंने फिर एक एक इंडिया का भी थोड़ा सा इंडिया को भी ड्रॉरिएट किया। एंड उन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि देखा जाए तो इंडिया में भी और इंडिया के पॉलिटिक्स में भी बहुत क्रिमिनलाइजेशन होने लगा है। क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे एमपीज हैं जिनको हम लॉ मेकर्स बोलते हैं, एमपीज एंड एमएलएज लॉ मेकर्स, वो उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस लगा ही होता है, मेजोरिटी ऑफ द लॉ मेकर्स के ऊपर। एंड उन्होंने ये चीज स्टेट भी किया कि देखा जाए तो नेहरू एरा से एंड इस एरा में बहुत डिफरेंस है, इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस आ गया, बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो उन्होंने बेसिकली इंडिया के क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स का पॉइंट आउट किया था इन सिंगापुर पार्लियामेंट। इस चीज को लेकर इंडियन गवर्नमेंट खुश नहीं हुई, तो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सिंगापुर के एम्बेसडर को बुलाया कि भैया आप आओ। एंड उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया हम उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड ऐसे स्टेटमेंट्स को हम लोग नकारते हैं। मूविंग फर्दर, सो हुआ क्या कि इंडिया ने अभी यूक्रेन के साथ फ्लाइट स्टार्ट नहीं करी है ना? इंडियन एयरलाइंस और सॉरी इंडियन एयरलाइंस का मतलब कि इंडिया और यूक्रेन के बीच में अभी एयर कनेक्टिविटी थोड़ी सी डिसरप्टेड थी, एक तो कोविड-19 की वजह से भी, और दूसरा जो एक और एडवांसमेंट आ गया बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया क्राइसिस। अब हुआ क्या कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, बहुत सारे इंडियंस वहां पर हैं, तो उन चीज को लेकर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं एंड उनके बच्चे जो है यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, वो थोड़े से बोल सकते हैं कि परेशान है। एंड दे हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट के जो एयर कनेक्टिविटी है जो डिसरप्टेड है जो डिसरप्टेड है बिटवीन इंडिया एंड यूक्रेन, उसको आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराइए। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, तो एक हुआ कर्नाटका वाला हिजाब वाला इशू। अब एक और इशू अराइज हुआ था एंड एक और क्वेश्चन अराइज हुआ था, वो ये था कि स्कूल्स जो कि माइनॉरिटी स्टेट माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के एम्बिट में काम करते हैं, क्या उनमें भी हिजाब पहन के आना अलाउड है या नहीं है, है ना? अब जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया, दो स्कूल्स हैं, एक तो मौलाना आजाद मॉडल स्कूल है और एक दूसरा आपका मुरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल है। तो
देखा जाए तो इन माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट रनिंग इंस्टीट्यूशंस में, रनिंग स्कूल्स में, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो माइनॉरिटी रिलीजन से आते हैं। तो इस चीज को लेकर गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि कोई भी हिजाब अलाउड नहीं होगा इन दी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ऑल्सो। ये सर्कुलर इशू कर दिया गया बाय द माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर जो जितने भी स्कूल्स आते हैं उन स्कूल्स के अंदर भी हिजाब पहन के आना अलाउड नहीं है, ये सर्कुलर इशू हो चुका है। मूविंग फर्दर, सो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था, है ना, मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। तो अब ये इशू था, क्या इशू था, कि केरला बोल रही थी कि तमिलनाडु को मुल्ला पेरियार डैम में 136 क्यूबिक फीट तक ही पानी स्टोर करके रखना चाहिए, बट तमिलनाडु ने बोला कि नहीं भैया, हमें कम से कम 148 से 152 जो कैपेसिटी है वहां तक हम भर सकते हैं, और तो डैम थोड़ा इतना भी खराब नहीं है कि वाटर को होल्ड ना कर पाए और कोई उसमें कुछ फॉल्ट नहीं होने वाला, बट केरला रिजिड था 136 को लेकर। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखो ना, हम आपकी बात मानेंगे ना आपकी बात मानेंगे, बट वील फिक्स कि 142 क्यूबिक फीट तक आप पानी स्टोर करके रख सकते हो इन मुल्ला पेरियार डैम। नाउ केरला गवर्नमेंट वॉन्ट्स कि सुप्रीम कोर्ट फिर से 2014 में जजमेंट दिया था अबाउट दी वाटर स्टोरेज इन मुल्ला पेरियार डैम, उसको फिर से रिव्यू करे एंड चेंज करे, क्योंकि मुल्ला पेरियार डैम जो है बहुत डिटोरिएट हो रहा है, उसकी कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो रही है, जिससे हमारे रीजन में केरला के रेसिडेंट्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट होना पड़ सकता है। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्टेटेड कि भैया हम लोग आंध्र प्रदेश में अराउंड थ्री लाख करोड़ रुपीज स्पेंड करेंगे ऑन दी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये चीज उन्होंने स्टेट कर दी है। मूविंग फर्दर ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे तीन एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द रोड सेफ्टी को लेकर है, ये अपन पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है। द सेकेंड वन इट्स अबाउट द इचिंग अ ट्रेड लाइन टू बॉन्ड बियॉन्ड ऑयल, ये अपन पढ़ने वाले हैं, तो ये इंडिया और यूएई के रिलेशंस के बारे में है, ये अपन पढ़ेंगे। एंड द थर्ड वन इट्स अबाउट दी पेरेंटरी एडजस्टमेंट, तो ये थोड़े इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो फर्स्ट विल डिस्कस दी इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी। चलिए, एंड दिस एडिटोरियल रिटन बाय दी एनआईएस ऑफिसर, लेट्स सी क्या लिखा है उन्होंने। सो हुआ क्या, सबसे पहले ऑथर ने स्टार्ट किया कि लास्ट ईयर की हम बात करें तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी, उन्होंने रिमार्क किया था, और उन्होंने बेसिकली अपने एक वेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें स्टेट किया था कि बाय द ईयर ऑफ 2050 हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि 50% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स को हम लोग रिड्यूस कर दें, एंड बाय द ईयर ऑफ 2030 हम लोग जीरो डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स अचीव करें। ये एक वेमिनार में उन्होंने स्टेट किया था। एंड इस चीज को लेकर उन्होंने ये भी स्टेट किया कि जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने पार्टिसिपेट किया था कॉन्फ्रेंस में जो कि स्वीडन में हुई थी, एंड इट्स अबाउट दी थर्ड हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। ये चीज उन्होंने बोली, और इसमें इंडिया ने जो प्रॉमिस किया है कि बाय द ईयर ऑफ 2030 हम लोग जीरो डेथ बाय रोड एक्सीडेंट्स अचीव करने वाले हैं, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ थोड़ा सा पास्ट में गए, और ऑथर ने बताया कि जब हम 2010 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई थी कि भाई डेथ बाय रोड एक्सीडेंट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, एंड दे हैव अडॉप्टेड अ ग्लोबल प्लान नोन एज ग्लोबल प्लान फॉर द डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी 2011-2020। ये 10 सालों तक का प्लान था, और इस प्लान के अंदर जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था उनका एम जो था वो ये था कि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स होती हैं उनको 50% तक रिड्यूस कर देंगे बाय द ईयर ऑफ 2030 एंड इन अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो। ये चीज उन्होंने इस प्लान में बोला था, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीजन ये रहा कि एडुकेट फंड्स नहीं थे, है ना, उन ब्लैक स्पॉट्स को हटाने के लिए जिससे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं आपका था नहीं, ट्रैफिक को रोकने के लिए, ट्रैफिक को काम करने के लिए हमने कुछ ऐसे अंडरटेकिंग मेजर्स नहीं लिए बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बताया गया कि मोर देन 60% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो किस वजह से होते हैं, एक तो आपकी स्पीडिंग की वजह से, ओवर स्पीडिंग की वजह से, स्पीड लिमिट जो है उसका साइन बोर्ड दिखता नहीं है,
है ना। जो 60% ऑफ द रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, डेथ होती है, वो आपकी किस वजह से होती है? आपका ओवर स्पीडिंग की वजह से। अब ओवर स्पीडिंग कैसे रोकी जाए? अगर आप स्पीड लिमिट का साइन जो है वो विजिबल हो जाए, आप आपके जो गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर चला रहा है, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा इंडिया के लिए इन दी रोड सेफ्टी को लेकर, वो ये है कि कैसे हम लोग ड्राइविंग स्किल्स ऑफ ड्राइवर्स के स्किल को इम्प्रूव करवा सके, उनका जो कैजुअल एटीट्यूड है ऑफ ऑफ कैजुअल एटीट्यूड ऑफ अदर रोड यूजर्स टूवर्ड दी रोड रोड सेफ्टी, उसको हम लोग उस एटीट्यूड को कैसे चेंज करें, ठीक है। ये चीज यहाँ पर ऑथर ने यहाँ डिस्क्राइब करिए कि ये थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि भैया कि आप कैसे सतर्क रहें गाड़ी चलाते समय और कैजुअली ना ले रोड सेफ्टी को। ये चीज सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट की एक नोटिफिकेशन आई थी एंड उन्होंने मैंडेट किया था कि जो बच्चे हैं 9 महीने और 4 साल के बीच में, उनको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा अगर वो टू व्हीलर्स में ट्रेवल कर रहे हैं। ये फिक्स था, ठीक है। एंड उन्होंने ये चीज बोली थी कि जब तक किड्स हेलमेट नहीं आ जाते, आप साइकिल के हेलमेट्स यूज कर सकते हो। और एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा आया था, उसमें बताया गया कि इंडिया 2020 अराउंड 3.54 लाख एक्सीडेंट्स ऑन एंड अराउंड अक्रॉस इंडिया अकर हुए, जिसमें से 1.33 लाख लोगों की डेथ हुई है। इवन दी कोविड लॉकडाउन जो लगाया गया था उसमें भी 1.54 लाख लोगों की डेथ हुई है। तो जहां पर तो बल्कि कितनी ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत कम थी, उस ईयर में भी बहुत मेजोरिटी ऑफ द डेथ्स उसी ईयर में हुई है। और एक चीज और बताई गई कि देखा जाए तो अराउंड 44% या 50% भी लेके चले ना, तो 52 मतलब मेजोरिटी ऑफ दी जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उनमें जो डेथ्स होती हैं वो आपकी टू व्हीलर्स की वजह से हो रही हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी कंट्रीब्यूट जो करता है डेथ्स में, रोड एक्सीडेंट्स की डेथ में, वो टू व्हीलर्स करते हैं, टू व्हीलर्स राइडर्स करते हैं। और सबसे ज्यादा डेथ महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यूपी में होती है। एंड फिर यही बताया गया कि अभी मिनिस्ट्री है उसी भी काम कर रही है कि बाई द ईयर ऑफ 2050 हम लोग 50% ऑफ द डेथ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट को कैसे रिड्यूस कर सकें। एंड इंडिया जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है, मतलब बहुत कंट्रीब्यूट किया, नंबर 1 पोजीशन पे है अगर हम डेथ्स की बात करें इन द रोड एक्सीडेंट, इवन अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ठीक है। ये चीज यहाँ पर खुद ने ऑथर ने स्टेट करी। फिर यहाँ पर थोड़ा ऑथर चिल्ड्रन को लेकर भी उन्होंने बात करी है। एंड चिल्ड्रन को लेकर उन्होंने यही बोला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई थी, WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 15 मेन कॉजेज जो होते हैं डेथ के ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 to 4 ईयर्स, उसमें से एक एक्सीडेंट भी है, रोड एक्सीडेंट भी है, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है चिल्ड्रन का बिटवीन द एज ऑफ 5 to 9 ईयर्स, सेकेंड मोस्ट कॉमन वो आपका क्या है? एक्सीडेंट है, रोड एक्सीडेंट है। यही चीज बताई गई यहाँ पर, ओके। तो ऑथर ने यही बोला कि कैसे हमें अपने रोड सेफ्टी को लेकर काम करना चाहिए और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को कैसे हेल्प करनी चाहिए। और चैलेंज टास्क को पता ही है, तो वो चैलेंज टास्क कैसे अचीव करना है, ये चीज यहाँ पर ऑथर ने डिस्क्राइब करी है। चलो वी विल मूव टू नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट्स अबाउट दी आपका इचिंग अ ट्रेड लाइन टू बाउंड बियॉन्ड ऑयल। चलो अब यह है क्या, अब यहां पर इंडिया जो है, यहां पर बताया जा रहा है कि कैसे इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अच्छा कर सकता है, इंडिया यूए के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करके रख सकता है। अब कैसे, देखो अभी यह समझ में आ जाएगा, कंटेम्प्रेरी इश्यू से रिलेटेड है ये, है ना। मतलब अभी कुछ कुछ हुआ है अभी बिल्कुल जस्ट, तभी हमने एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। देखो अभी इंडिया ने एम किया है कि वो लोग बाई द ईयर ऑफ 2030 अराउंड $1 ट्रिलियन US डॉलर की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करेंगे और $1 ट्रिलियन ऑफ सर्विस की एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब 2 ट्रिलियन डॉलर ऑफ जो एक्सपोर्ट होने वाला है इंडिया का, उसमें से 50% मर्केंटाइज का होगा, 50% सर्विस सेक्टर का होगा, बाकी और भी होंगे सेक्टर्स, और भी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, बट $1 ट्रिलियन हम लोग चाहते हैं कि बाई द 2030 मर्केंटाइज एक्सपोर्ट हो और बाई द 2030 सर्विस एक्सपोर्ट भी $1 ट्रिलियन हो, ठीक है। चलो अब अभी रिसेंटली, मतलब रिसेंटली क्या, आज ही इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है वो फाइनली इंडिया यूएई यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो साइन करने वाले हैं, आज साइन हो जाएगा, ठीक है। और जिसके चलते
इंडिया जो है, दोनों इंडिया और यूएई दोनों नेशन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है जिन्होंने साइन करी 2017 के अंदर, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होने वाला है, जिससे हम लोग, जिससे हमारी इकोनॉमी को, इंडिया की इकोनॉमी को भी और यूएई की इकोनॉमी को भी म्यूचुअली बेनिफिशियल बेनिफिट करेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन उठता है कि व्हाट डज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट मीन्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ, इट्स अ फ्री ट्रेड पैक्ट, ठीक है, जिसमें नेगोशिएशंस होते हैं ट्रेड को लेकर, ट्रेड लाइक सर्विस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड अदर एरिया ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, और ये और भी नेगोशिएशन को कंसिडर करता है इन द एरिया ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कस्टम कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन। तो देखा जाए तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट होती है, इट्स इवन मोर बेटर देन दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये चीज बताएगा। या हम बोल सकते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में तो कुछ चीज स्पेसिफाई नहीं होती, बट इस चीज में स्पेसिफाई होती है किस किस चीजों में आप नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया पहली बार किसी कंट्री के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेगा। ऑलरेडी इंडिया ने दो एशियन नेशंस, साउथ कोरिया और जापान के साथ ऑलरेडी साइन कर चुका है। अब यूएई, प्रेजेंट में बात करें तो यूएई ही इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और इंडिया और यूएई के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हुआ 2019-2020 में $59 बिलियन का हुआ, एंड यूएई इज ऑल्सो दी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द यूएस, ये चीज बताएगा। तो अराउंड $29 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है इंडिया में वो, ओके और इन्वेस्टर भी है, वन ऑफ दी एट लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है यूएई इंडिया में, अराउंड उसने कम से कम $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। और ऐसा एस्टिमेटेड है कि इंडियन कंपनीज भी जो है यूएई में अराउंड $85 बिलियन का इंवेस्टमेंट करके रखी हुई है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं क्या, फूड आइटम्स हो गए, मशीनरीज हो गई, जेम्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, टेक्सटाइल हो गई, तो मतलब केमिकल्स हो गए। और इंपोर्ट क्या कराते हैं हम लोग, ऑयल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रेशियस मेटल, मिनरल्स, केमिकल्स, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। ठीक है, एंड अब ये सिग्निफिकेंस क्या रखता है जो अभी इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। तो ये बताया गया कि अगर ये साइन होगा तो विद इन 5 ईयर्स, मतलब बाई दी एंड ऑफ 2026, इंडिया और यूएई के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है इन गुड्स, हम लोग सर्विस को मान ही नहीं रहे, इन गुड्स, वो $100 बिलियन का हो जाएगा, यूनाइटेड यूएस डॉलर का हो जाएगा, ये चीज बताया गया। एंड सर्विस में जो ट्रेड है वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू $15 बिलियन। ठीक है, तो जिससे हमारे नेशंस और यूएई में भी सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जो है और ज्यादा वाइडन हो जाएंगी, ये चीज बताया गया। तो पढ़ना जरूर, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मजा आएगा। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल, एंड दिस वन अबाउट अ प्लेनेटरी एडजस्टमेंट। तो बेसिकली देखा जाए तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, एंड आई रिकमेंड कि आप ये खुद पढ़ें। अच्छा, इसमें है क्या, मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो इट्स बेसिकली अबाउट दी कि कैसे हमारा जो प्लेनेट है वो खराब होते जा रहा है ना। अब देखा जाए तो प्लेनेट पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, प्लेनेट पे जो लोग रह रहे हैं उन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब भी हम बात करें तो प्लेनेट पे जब इंपैक्ट पड़ा तो हम लोग पहले, प्लेनेट सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ा, इंडस्ट्रियल एज की वजह से और फॉसिल फ्यूल के यूज की वजह से। लेकिन उस यूज की वजह से हमारे क्लाइमेट पे तो इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे अर्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन हुआ, सबसे ज्यादा सफर किसने किया, पुअर लोगों ने। उत्तराखंड का एग्जाम्पल ले लो, उत्तराखंड में दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक वो बन रहे थे, बेसिकली दो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसकी वजह से एवलांस हुआ, उसकी वजह से जो बर्फ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, एंड मेजोरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है उनको अफेक्ट हुआ जो उत्तराखंड में रह रहे थे, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। तो यही चीज बताया जा रहा है ना। तो पढ़ना जरूर, अर्थ से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। मूविंग फर्दर, सो अजय शंकर अभी विजिट पे हैं, ईयू की विजिट पे हैं, एंड वो अभी सबसे पहले जर्मनी में मिलेंगे, जर्मनी से मिलेंगे, जर्मनी अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, फिर फ्रांस में अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे, बट जो मेन फोकस रहेगा उनका वो रशिया के साथ रहेगा, कि रशिया के साथ कैसे रिलेशंस मेंटेन करके चलना है और रशिया पे क्या स्टैंड लेना है, रशिया और यूक्रेन पे क्या स्टैंड लेना है। सो कल हमने पढ़ा था ट्राइब्यूनल की वैकेंसीज को लेकर, कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया है कि ट्राइब्यूनल में कितनी ज्यादा वैकेंसीज क्यों है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम लोग ट्राइब्यूनल वैकेंसीज वाला जो इशू है वो बहुत ही जल्द हम लोग लेने वाले हैं एंड डिस्कस करेंगे ट्राइब्यूनल में वैकेंसी नहीं ज्यादा क्यों पेंडिंग पड़ी हुई है। अभी डेट फिक्स नहीं करी बट दे विल फिक्स दी डेट। सो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में
इंडिया ने अपना वही स्टैंड रखा है जो हमेशा से रखता हुआ आ रहा है, डिप्लोमेटिक स्टैंड। जब यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बात इसी बात पे थी कि यूके और सॉरी यूक्रेन और रशिया के टेंशन को कैसे ईज डाउन किया जाए, और रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन है वो मिंस टू एग्रीमेंट के तहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इसमें यूक्रेन ने मुलाकात बुलाई थी सब नेशंस की, जिसमें इंडिया ने सिर्फ इतना ही सही बोला कि भैया आप दोनों म्यूचुअली और कोऑपरेटिव तरीके से अपने इश्यूज को रिजॉल्व करिए। ना इंडिया ने सपोर्ट किया, ना ही इंडिया इसके अगेंस्ट में गई। अच्छा, ये पूरा पेज आपका उससे भरा हुआ है, इलेक्शन से, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, स्किप करो। सो ऑन दी पेज नंबर 10, सो व्हाट हैपेंड, तो एक रिपोर्ट निकल के आई। रिपोर्ट में बताया गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केस में जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत डिक्रीज में आ गया है, बहुत डिक्लाइन करने लगा है। मतलब जैसे कि मान के चलो, पहले पहले मतलब 100 केसेस निकलते थे, 100 लोगों को पनिशमेंट मिलती थी बिकॉज ऑफ दी आपका ह्यूमन ट्रैफिक केस में, लेकिन अब 100 से भी डिक्रीज होने लगा। उसका मतलब ये नहीं है कि क्राइम्स कम हुए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो वही है बल्कि उससे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, लोगों को पनिशमेंट मिलना कम हो गई। इस चीज को लेकर बहुत सारे एक्टिविस्ट ने एक पॉइंट चीज पॉइंट आउट करें, उनका कहना है कि जब हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज अ इंटर स्टेट बिजनेस, इंटर स्टेट इलीगल बिजनेस। मतलब महाराष्ट्र से यूपी जाएगा, यूपी से महाराष्ट्र जाएगा, यूपी से तमिलनाडु जाएगा, तो इंटर स्टेट मतलब विद इन दी स्टेट, बिटवीन दी स्टेट है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो इंटर स्टेट होती है, मतलब विद इन दी स्टेट होती है। इसके चलते बहुत सारे लोग जो हैं वो पनिश होने से रुक जाते हैं। मूविंग फर्दर, सो वही न्यूज के इंडिया और यूएई आज जो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज साइन करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, सो इंडिया में पहली बार वाटर टैक्सी सर्विस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इन दी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको इनॉग्रेट किया गया बाय दी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे। ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो फाइनली फ्रांस जो है माली से अपना ट्रूप्स को विड्रॉ कर रही है आफ्टर 10 ईयर्स। उसका रीजन ये है क्योंकि फ्रांस आर्मी, फ्रांस के ट्रूप्स और जो वहाँ के आपका रूलिंग जनता है, रूलिंग जनता है मतलब वहाँ के जो मिलिट्री कूच ने कर रखा है माली की मिलिट्री ने, उसके बीच में रिलेशन जो है वो थोड़े से सॉर हो चुके हैं, मतलब अच्छे नहीं है, जिसके चलते फ्रांस जो है वो विड्रॉ करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया फ्रॉम द अफ्रीकन नेशन ऑफ माली। सो एंटनी ब्लिंकिन द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैज स्टेटेड दैट रशिया को खुलकर डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है यूक्रेन को इवेट करने का। ये चीज उन्हें खुल के आनी चाहिए, ये चीज उन्होंने स्टेट करा है। सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो, सेम गोज विद स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।